कृषि कानून के विरोध में जारी आंदोलन में भाग लेने के लिए भारतीय किसान यूनियन की राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर भानु प्रताप सिंह व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर दुष्यंत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में किसान चिल्ला बॉर्डर पर एक सप्ताह से धरना दिए हुए हैं, जहां दिल्ली पुलिस ने बैरिकेड्स लगाकर उन्हें रोके हुए है। किसान मुख्य मार्ग पर ही धरने पर बैठे हैं। किसानों द्वारा चिल्ला बॉर्डर पर जाम लगाए जाने से लाखों लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां किसानों ने जाम लगाया है, वहां से होकर प्रतिदिन लाखों की संख्या में लोग नोएडा में नौकरी करने आते जाते हैं। चिल्ला बॉर्डर सीधे नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस वे और आगरा एक्सप्रेस वे को भी जोड़ता है। यह बॉर्डर वाया गोलचक्कर डीएससी रोड को जोड़ता है। जाम से बचने के लिए पुलिस ने यात्रियों को नोएडा जाने के लिए वैकल्पिक मार्ग का सहारा लेने की सलाह दी है। उधर टिकरी बॉर्डर, झारूडा बॉर्डर, झटिकरा बॉर्डर को अन्य यातायात आवाजाही के लिए बंद कर दिया गया। बड़ूसराय बॉर्डर केवल दो पहिया वाहनों के आवागमन के लिए खुला है। आज हमारे चैनल BCN के द्वारा किसानों ने अपनी समस्याओं को सुनाया और सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बात करने की बात कही। किसानों का कहना है कि अब वह किसी भी नेता या अधिकारी से बात नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक चार चरण में बातें हो चुकी है जो बेनतीजा निकली। अब समस्या का हल निकलना है, जो सिर्फ हमारे देश के प्रधानमंत्री ही निकाल सकते हैं। जिसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कमाल संभालते हुए कृषि बिल में संशोधन किए हैं और आज दोपहर 2 बजे किसानों के साथ सरकार की 5वें चरण की बैठक होनी तय है। देखते हैं इस बैठक में क्या नतीजा निकलता है। साथ ही किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान भी किया है। दिल्ली से BCN न्यूज के लिए संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। आम किसान यहाँ दाल रांधने के लिए नहीं है। आम किसान इसलिए सड़कों पर उतरा है कि जो समझा गया था माननीय प्रधानमंत्री जी को, उसके वो 1% भी नहीं निकले। उन्होंने देश को पागल बना दिया है। पहले नोटबंदी करी, फिर ये 3 अध्यादेश लाए और कोई काम नहीं है उन पे। क्या जरूरत थी इन अध्यादेशों लाने की, जब हम मांग कर रहे थे। सन 2014 में इनका समर्थन किया था, कांग्रेस का विरोध किया था हमने। क्यों? कि कांग्रेस भी नहीं कुछ मानती थी। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि हमसे कहती रही थी, हमारे बाप दादाओं से अधिक कर्णों पर जाओ, देश को आत्मनिर्भर बनाओ, खाद्यान्न के ऊपर हम निर्भर बनाते रहे, स्विस बैंक में पैसा भेजते रहे सारी कांग्रेसी। तो अब हमारा कहना है कि हमारी काम, हमारे बात ये कृषि मंत्री नहीं कर पाएंगे। नरेंद्र मोदी हैं, पूरे विश्व विख्यात हैं प्रधानमंत्री जी। बहनों भाइयों हमसे बात करें, अपने आवास में बिठा के। हमने 84 में राजीव गांधी से आवास में बात करी थी प्रधानमंत्री के में, और कांग्रेस की सरकार यहाँ थी और कांग्रेस की वहाँ थी, और 2 घंटे में उन्होंने आदेश कर दिया था मुख्यमंत्री भानु प्रताप सिंह की सारी बात मान लो। यही हम अब चाहते हैं। हम किसी कृषि मंत्री भंत्री से न कल बात करें न कभी करें। हम आवास में अपने आप बुला ले राजी से, नहीं तो जबरदस्ती आवास जाएंगे, चाहे वो हमें मार डालें, और जिंदे रहेंगे तब तक यहीं रहेंगे, विरोध करेंगे, और यदि नहीं मानेंगे तो किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से हम नहीं मानेंगे। बेगराज जी तिवारी कहे तुम अराजित की रहो जी। सुन ले जी, हमारे कहते हैं अराजनीति ठीक है, अराजनीति काय को ठीक है। हम और पार्टी किसी से समर्थन करेंगे, किसी से मिलेंगे, कुछ करेंगे। किसान क्रांति दल रमेश बाबा ने निर्वाचन आयोग से रजिस्टर करवाया है, और चल तो हम बहुत दिन आते रहे, राइफल तो उजगर रखते, रिवाल्वर भीतर रखते जी, भीतर की रिवाल्वर अब खुलेगी आज। किसान क्रांति दल निर्वाचन आयोग से रजिस्टर्ड, प्रधानमंत्री जी ने दो और चुनाव चिन्ह पेन हकीकत लिख दूंगा नरेंद्र मोदी की, क्या है नरेंद्र मोदी जी। और नहीं तो बात मान ले हमारी, नरेंद्र मोदी से अलावा किसी से बात नहीं करेंगे हम। देखिए, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी जा रही है। दिल्ली प्रदेश संरक्षक होने के नाते से मैं माननीय प्रधानमंत्री से अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा। संत में बाद में हूं, पहले मैं किसान परिवार से हूं। आज मैं अगर
मठ मंदिर जो भी चला रहा हूँ किसानों की देन है कि हमारा मठ मंदिर चल रहा है, नहीं हमारे गुरुकुल के बच्चे आज किसी भी गुरुकुल को कोई मान्यता नहीं प्राप्त हो रही हैं। हमारे यहाँ गुरुकुल की पद्धतियाँ रही हैं, उन गुरुकुल को खा लिया गया, जब से देश आज़ाद हुआ एकदम नष्ट कर दिया गया। तो हम यही चाहते हैं किसानों की बात मानी जाए और इसका किसान आयोग का गठन हो। और माननीय प्रधानमंत्री, लोगों के व्यापार ठप हो गए, आज कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल में किसे अपनी जान प्यारी नहीं है, आज सब यहाँ पर परेशान है, क्यों है भाई? इन्हें पीड़ा है ना, जब इन्हें पीड़ा है जब ही ये यहाँ पे आए हुए हैं। अगर इन्हें पीड़ा नहीं होती तो ये लोग यहाँ पे क्यों आए होते? कोरोना काल में सबको उसके अग्रम आप देख रहे हैं, जैसे ठाकुर भगवान प्रताप सिंह जी की आंखों पे सूजन आ रही है, चेहरे पर सूजन आ रही है, आप बताइए इन्हें क्या जरूरत यहाँ पे थी? लेकिन जब इन्हें पीड़ा है और इन्हें पता है कि किसानों के लिए 40 साल से यहाँ पे लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, इन्हें अपनी जान की परवाह नहीं है, लेकिन पूरे देश के किसान की परवाह करते हुए अपनी जान को दांव पे लगा रखा है। इन्होंने अपने बेटे को, बेटा इनका उसका जन्म यहाँ देश के किसानों के लिए, जो ओम प्रताप है 35 साल का बेटा, उसने आत्महत्या कर ली। किसके लिए कर ली? किसानों के लिए कर ली। अगर यही भान प्रताप जी अपने परिवार के लिए, स्वयं निजी स्वार्थ के लिए अगर ये कार्य करते तो आज इनका बेटा आत्महत्या नहीं करता। हाँ बिल्कुल, ये वो हमारा आंदोलन और ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज प्रगति पकड़ेगा। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से हमारा किसान पूरी व्यवस्था है, ट्रैक्टर ट्रॉली लेके और सारा भोजन राशन पानी सब लेके आए हुए हैं। हम 6 महीने के लिए, क्या 6 साल के लिए भी बैठना पड़ जाए तब भी हमारा किसान यहाँ से पीछे? देखो मेरा किसान है, गुड़ और चना और पानी, इससे ज़्यादा और इसे कुछ नहीं चाहिए। हमारा किसान का गुड़ चना पानी साथ में है और इसी से हम लोग अपना जीवन यापन करते आए हैं। जिस तरीके से धूप में बरसात में आपका हर चीज़ में आप फसल पैदा करता है, तो आज आंदोलन के लिए अगर सर्दी गर्मी में अगर इन लोगों को नहीं दिखाई दे रहा है तो अपनी जान की बाजी लगा के यहाँ से अपना हक लेके ही जाएगा, ऐसे नहीं जाएगा। ठीक है। और जिस तरीके से यमुना आंदोलन किया था ना सन 2013-11 में, और उसके बाद में हमें लाली पॉप देकर और हम लोगों को यहाँ से भगा दिया था और वापस भेज दिया था। सन 2014 में हमने समर्थन दिया था, लेकिन अब हम लाली पॉप लेके यहाँ से जाने वाली नहीं है। यहाँ पे करो और मरो की बात है। यहाँ से जब तक हम लोगों को हमारी मांगों को नहीं माना जाएगा और मोदी जी नहीं मानेंगे, तब तक हम लोग यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। देखिए बिल्कुल आपको बताएं कि हमारा संगठन है, संगठन एक आवाज़ उठा सकता है। भान प्रताप जी ने जो निर्णय लिया है, हमने आपको बताएं, मैं उस निर्णय का बहुत बड़ा उन्हें धन्यवाद करता हूँ और बहुत अच्छा सोचा समझा उन्होंने निर्णय लिया है। क्योंकि आप जो संगठन है, वो संगठन एक सिर्फ आवाज़ उठा सकते हैं वो, लेकिन समाधान नहीं कर सकते। बिना सत्ता हासिल किए आप किसी को, आप बिना सत्ता हासिल किए आप किसी को कोई भी कुछ भी उसका निर्णय नहीं निकाल सकते। तो हम जो आपने बोला है कि किसान क्रांति दल भान प्रताप जी ने जो रजिस्टर्ड करवा रखी है, और वो जो किसान क्रांति दल किसानों के हक की जो पार्टी होगी, किसानों हक का जो झंडा होगा, किसानों की विचारधारा का जो झंडा होगा, अब जब किसान क्रांति दल आएगा और जब किसान उसका समर्थन करके और वो अपनी पार्टी को वोट देगा और जब वो पार्टी सत्ता में आएगी तो किसानों का अपने आप अधिकार मिल जाएगा, फिर किसी के पास भीख मांगने के जाने की जरूरत नहीं है। जिस तरीके से मैं आपको बताऊँ कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के नाम पर वोट लेती है ना, फिर उसके बाद में हिंदुत्व के नाम पर वोट लेते हैं, फिर उसके बाद में क्या होता है, किसको क्या, आप हिंदुत्व के नाम पे कहीं मंदिर की बात करते हैं, कहीं मस्जिद की बात करते हैं कि उसके अगर हम, ठीक है आप उन पे भी करिए, हम उसके लिए मना नहीं करते, वो भी देश की एक बात है, लेकिन देश के साथ साथ आपको विकास की भी तो बहुत ज़रूरत है। हमारा युवा बेरोजगार हो रहा है आज, उसके अगर हम जैसे बता रहे नोटबंदी के द्वारा,